हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का हमारा वीडियो टर्बो सुपर चार्जर पर बेस्ड है। तो आज हम टर्बो सुपर चार्जर के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे टर्बो सुपर चार्जर क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और टर्बो सुपर चार्जर यूज़ करने से हमारी जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी इंजन है, इनके परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो जाते हैं और उसके क्या एडवांटेजेज होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर के हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टर्बो सुपर चार्जर का कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ से आता है, जैसे कि जस्ट लाइक मान लो हमारा कोई इंजन है तो वहाँ पे हमारी जो बर्नआउट गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में निकल रही हैं। तो हम लोगों ने क्या है ऑब्जर्व किया कि वो क्या है, एक टाइप ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर की गैसेस बाहर में सराउंडिंग निकल जाती हैं। तो उसमें क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। तो उस टाइप ऑफ वेस्ट एनर्जी को हम अगर यूटिलाइज कर पाएँ और अपने सिस्टम के लिए, जस्ट लाइक इंजन के लिए, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ये टर्बो सुपर चार्जर का मैकेनिज्म सेटअप किया गया। इसमें क्या है कि जो बर्नआउट गैसेस हैं उसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो हाई प्रेशर हैं, हाई टेम्परेचर की गैसेस हैं, वो एक टर्बाइन के थ्रू रोटेट होती हैं। टर्बाइन हमारी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है जो कि पावर प्रोड्यूस करती है। उसी सेम साइड पे हमारा कंप्रेसर कनेक्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट से एयर को सक करता है और कंप्रेस करके उस कंप्रेस्ड एयर को हमारी इनपुट सक्शन पर भेजता है, जो सक्शन पॉइंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंजन का सक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे हाई प्रेशर की एयर जो होती है इंटर करती है इनसाइड द सिलेंडर, जिससे इंजन के सिलेंडर का प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो पावर है इंजन की, वो बढ़ जाती है। तो चलिए हम इसे बिल्कुल एकदम डिटेल में समझेंगे, इसके कंपोनेंट को जानेंगे, कौन कंपोनेंट कैसे काम करता है, ओवरऑल कैसे हमारे इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमारा ये देखिए इंजन है, इंजन का सिलेंडर है, यहाँ से क्या है एग्जॉस्ट वॉल्व है, यहाँ से एग्जॉस्ट वॉल्व जैसे ओपन होती है और यहाँ पे बर्नआउट गैसेस निकलती हैं, जैसा कि आप बाइक में देखते हैं साइलेंसर के थ्रू। उसमें क्या है, वो जो गैसेज होती हैं उनमें प्रेशर और टेम्परेचर होता है, इट मीन्स एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और इसमें एक मैनिफोल्ड के अंदर इंटर कराते हैं, जो भी हमारा टर्बाइन है। टर्बाइन बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ रोटर है। जब हाई प्रेशर टेम्परेचर की गैसेस इसमें इंटर करती हैं तो ये इसको रोटेट करा देती हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। जब ये रोटेट होने लगती है तो सेम साइड से हमारा कंप्रेसर कनेक्टेड होता है, कंप्रेसर भी उससे कनेक्टेड होता है, तो इस वजह से कंप्रेसर भी हमारा रोटेट करने लगता है। कंप्रेसर भी एक टाइप ऑफ रोटर है, जो कि क्या है, इम्पलर इसमें लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्वायरमेंट से एयर को सक करता है, जैसा कि हम डीजल इंजन में देखते हैं जो हमारा पंप लगा होता है वो पानी को खींचता है, वैसे ही हमारा एम्बियंट एयर को, मतलब नॉर्मल एयर को खींचता है और उसको कंप्रेस करके यहाँ पे एक प्रेशर बढ़ा के उसके सक्शन पॉइंट पर इसको डिलीवर करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रेशर की जो गैसेस होती हैं उससे ग्रेटर प्रेशर की हमारी गैसेस यहाँ पे सक्शन पॉइंट पे पहुँच जाती हैं, और इसके अंदर हाई प्रेशर गैसेस जब पहुँचती हैं तो उसके अंदर एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। जब एयर की डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, जिससे फ्यूल की बेटर कम्बस्चन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर बढ़ती है। जिसमें हमारा अगर देखते हैं तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक तो कम्बस्चन भी अच्छा होता है और मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ने से हमारा जो ओवरऑल इंजन का परफॉर्मेंस, इसकी पावर बढ़ जाती है। अगर हम देखें, अगर टर्बो सुपर चार्जर यूज़ करते हैं तो कम साइज का इंजन, मतलब कम पावर का इंजन हमारा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो इसके जो भी कंपोनेंट हैं उसको एकदम स्टेप वाइज डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एग्जॉस्ट गैसेस फ्लो, हम अभी फिगर में पहले ही दिखा चुके हैं, एग्जॉस्ट गैसेस फ्लो मतलब ये यहाँ से फ्लो कर रही हैं और इसको रोटेट करा रही हैं। रोटेट कराने से क्या है कि ये एक रोटेटिंग पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हेल्प करता है कंप्रेसर को ऑपरेट कराने में। कंप्रेसर हमारा सक्शन जो हमारी एनवायरमेंट में नॉर्मल गैसेस हैं उनको कंप्रेस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है टर्बाइन व्हील। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक इम्पलर लगा हुआ है जो कि क्या है, एक यहाँ पे फिक्स्ड है और ये यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से इंटर करती हैं तो इसको रोटेट कराती हैं, ये हमारा टर्बाइन व्हील कहलाता है।
उसके बाद हमारा आता है कंप्रेसर व्हील। कंप्रेसर व्हील हमारा ये देखो यहाँ पे है, ये कंप्रेसर व्हील जस्ट लाइक इंपलर जैसा ही है, ये सेम सेट पे कनेक्टेड होता है। अगर ये हमारा रोटेट करता है, पावर मिलती है इसको, तो ये भी हमारा रोटेट करेगा। अब कंप्रेस्ड एयर इनटेक, इट मींस क्या है कि जैसे ये इसको पावर मिलती है, रोटेट होता है, तो ये भी रोटेट होता है, तो ये क्या करता है, नॉर्मल एयर से सक करता है और इसको प्रेशर को इंक्रीज करता है और फिर जाके यहाँ पे सक्शन पॉइंट पे हमारी इसको डिलीवर करता है हाई प्रेशर एयर को। इंक्रीज्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, अब जब हाई प्रेशर की जो गैसेस हैं वो यहाँ पे इंटर करती हैं तो जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो काफ़ी बेटर होता है, बिकॉज जो एयर की डेंसिटी अच्छी होती है, तो इस वजह से जो हमारा फ्यूल है वो बेटर तरीके से उसका कम्बस्चन होता है, जिसके वजह से हमें मोर पावर प्रोड्यूस होती है और कम्बस्चन भी बेटर होता है। अब एडवांटेजेस की बात करें, अगर हम टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा आता है इंक्रीज पावर आउटपुट। अब क्या है कि जस्ट लाइक अगर हम टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करते हैं तो उसका इंजन का पावर आउटपुट बढ़ जाता है, कैसे, बिकॉज उसमें जो फ्यूल है उसकी बर्निंग बढ़ जाती है, फ्यूल की बर्निंग अच्छे से होती है, इनटेक एयर के प्रेशर के वजह से उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ जाता है, तो ओवरऑल इसका जो हॉर्स पावर है या टॉर्क है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशियंसी, इट मींस क्या है कि अगर कोई फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बेटर तरीके से कम्बस्चन, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा तो बेटर कम्बस्चन होगा, इस वजह से हमारी फ्यूल की इफिशियंसी भी यहाँ पे अच्छी होगी, फ्यूल की बर्निंग अच्छी होगी, उसमें कोई वेस्टेज नहीं जाएगा, तो इस वजह से हमें फ्यूल की इफिशियंसी भी अच्छी देखने को मिलती है अगर हम टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करते हैं कि इंजन में। नेक्स्ट हमारा है लोअरिंग एंड वेट रिडक्शन। अगर बात करें हम तो अगर टर्बो सुपरचार्जर किसी भी इंजन में यूज़ किया जाता है तो वही सेम साइज का इंजन जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा इन कंपेयर टू नॉर्मल ऑपरेटिंग इंजन के। इंक्रीज्ड एटीट्यूड परफॉर्मेंस, इट मींस क्या है कि जो भी हमारा इंजन का परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज जो हमारी गैसेस का कम्बस्चन अच्छा होता है, उसके आज जो बर्नआउट गैसेस हैं वो भी क्या हैं, उसमें जो फ्यूल का कंटेंट है वो भी कम जाता है, जो इमीशन कंटेंट हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी कम जाती हैं, क्योंकि उनका बेटर तरीके से कम्बस्चन होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे अगर इंजन को यूज़ करें तब भी इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, बिकॉज हाई अल्टीट्यूड पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो जो हमारा टर्बो सुपरचार्जर है वो एनवायरनमेंट से एयर को सक करता है और कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा डेंस जो एयर हमारी इंटर करती है इनसाइड द सक्शन प्रोसेस में, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जिनको क्या है हाई एल्टीट्यूड, इट मींस क्या है, जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पर हम टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करें तो इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होती है। इन्हेंस इंजन रिस्पॉन्स, अब जो हम टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करते हैं तो जो इंजन का रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज उसका जो क्विक जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ होता है, अच्छा होता है, तो इससे ये पावर आउटपुट क्विकली मिल जाता है। तो इस तरीके से जो हम अगर कोई भी इंजन है उसमें टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करें तो उसका जो एक्सेलरेशन है, जो भी पिकअप है, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये चीज़ हमें क्या है कि अगर देखें तो इस चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है हमारी फोर व्हीलर में क्विक एक्सेलरेशन के लिए, क्विक पिकअप के लिए। अब हम बात करें इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करने से जो हमारी फ्यूल का कम्बस्चन बेटर होने से जो भी इसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हैं या नाइट्रॉक्स हैं या फिर अदर पोल्यूटेंट हैं, उन वो क्या हैं, कम होते हैं, बिकॉज वो बेटर कम्बस्चन के वजह से पूरी तरीके से अंदर जल जाते हैं और लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट बाहर निकलते हैं। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टर्बो सुपरचार्जर यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है। अब इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो टर्बो सुपरचार्जर है उसको हम यूज़ करके, मतलब जो वेस्ट एनर्जी जा रही थी हमारी एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू, हम उसको उसी की एनर्जी को यूटिलाइज करके उसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।